ट्रस्ट किसी बहुत बड़े स्मगलर के नाम पर है, सारी की सारी धंधे वालियों को एक जगह जमा करने के लिए। हाँ सुनो, हे यादव, अंदर जितनी भी धंधे वालियां उन सबको बाहर लेकर आओ, नहीं आए तो मार मार के लाओ। चलो जाओ। नहीं सर, जकीर भाई को बताए बगैर करेंगे तो। अबे बुजदिल, क्या जाकिर तुम्हारी माँ के लिए पैसा देता है? अबे चल हट यहाँ से। समन कमान मेरे साथ आओ। क्या है सर, क्या काम है? अबे तू कौन है, जाकिर हुसैन है या फिर हाजी मुस्तफा है तू? सर जकीर भाई का ड्राइवर है सर। तुम चुप रहो, चल रास्ते से हट। सर प्लीज, मैं बोलता हूँ हट रास्ते से, हट हट साला, मैं उससे दादागिरी दिखाता है, रास्ते से नहीं हटेगा, रास्ते में खड़ा होगा। हाँ हाँ हाँ, क्या समझता है? जानता है तुमसे बात कर रहा था, मारो मत उसे। हट। क्या सर, क्यों मारा जा रहा उसे भी? तू कौन है? चल बता, मैं पूछता हूँ कौन है रमन वर्मा? मैं हूँ। अच्छा, तुझे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तू इन सब धंधे वालियों का दलाल है, क्यों? सर इस तरह की बातें मत कीजिए, ये महिला आश्रम है सर। अबे चुप, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे इस महिला आश्रम के बारे में। जी सर। जाकर ऊपर से सारी लड़कियों को लेकर आओ, जाओ। ए तुम लोग भी जाओ, जाओ। ए बुड्ढे, बता तेरा ऑफिस किधर है? उधर। चल बता मुझे। ए जोसेफ, उनका हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? तुम चुप रहो, छोड़ो। देखो, तुमने मुझे स्कूल में पढ़ा इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा केस है, बॉम्बे रेड लाइट एरिया से लड़कियाँ लाकर यहाँ पर धंधा कराया जाता है, हमें पता है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है, समझ गए? तू तेरी जात की, धंधा चल रहा है इधर, कौन कर रहा है रे? अबे तेरे बाप ने लड़कियाँ पैदा करके यहाँ डाली है क्या? तेरी इन्फॉर्मेशन है? अबे पादरी, जब से तेरी इज्जत कर रहा हूँ तू स्कूल में पढ़ाता है इसलिए तो मुझे बोले जा रहा है तू? छोड़ो। ए, लेके जाओ इन दोनों को, पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने का अंजाम क्या होता है ये इन्हें बताओ, लेकर जाओ तू। समझ में नहीं आता, जब से समझा रहा हूँ समझ में नहीं आता, पुलिस वाले के साथ लेके जाओ, लेके जाओ इसको, और बताओ कि पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है, लेके जाओ। एक शरीफ आदमी पर हाथ उठाकर आप अच्छा नहीं कर रहे सर। चुप। रामचंद्र, हे सुमन, व्हाट द ब्लडी हेल इज गोइंग ऑन? आई से कम ऑन, लीव हिम। मैडम प्लीज माइंड योर, आई से लीव हिज हैंड। रुक जाइए आप, मेरी बात सुनिए, आप नहीं जा सकती अंदर। हाउ डेयर यू, जल्दी पकड़ो इसको। कम ऑन माया, कूल इट सर प्लीज, क्यों इन पे गलत इल्जाम लगा रहे? ये रामचंद्र, लीव हिम। मैंने तुमसे इन्हें छोड़ने को कहा ना? माया मैंने कहा शांत रहो, देख क्या रहे हो, लेके जाओ इसको। हे नो डोंट। माया तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। आई मस्ट गेट एन आंसर, मुझे बताओ भी किस ऑफेंस में इन्हें अरेस्ट करके ले जा रहे हो तुम? ओहो, तो तुम्हें वजह जाननी है, आओ। ये देखो, ये सारी लड़कियां यहाँ पर क्यों लाई गई है? ये सब लड़कियां बॉम्बे के ग्रैंड रोड से धंधा करने के लिए यहाँ पर लाई गई हैं। जाकर देखो, हमारे ऑफिस में सारा रिकॉर्ड है इनका, बॉम्बे पुलिस इंक्वायरी रिक्वेस्ट। बुड्ढे जरा, आज किसी भी तरह इस बुड्ढे को और इसके साथ साथ उस फादर को भी और इनके साथ साथ जाकिर हुसैन को भी और उसके वफादार चमचे हमीद को भी, अगर आज मैंने मार मार के पुलिस स्टेशन नहीं लेकर गया तो मेरा नाम भी जोसेफ मेंडोसा नहीं। सर प्लीज, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस सर। अपनी जुबान को लगाम दो और अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। टेक योर हैंड्स ऑफ मी। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से, नहीं तो छोड़ो दे। हट बुड्ढे, हट। मुझे रोकेगा तू? मुझे रोकेगा? मुझे रोकेगा? मुझे रोकेगा? जोसेफ साले, तू कमीना है, बहुत बड़ा कमीना है तू।
तू साले ऐसी गंदी जुबान यूज कर रहा था जैसे कि ये लोग प्रोस्टिट्यूट हैं, वैश्या हैं, धंधा करने वाली औरतें हैं, है ना? हाँ ये सच है, ये लड़कियां किसी वक्त मजबूरी में अपना शरीर बेचती थी, लेकिन वहां से इन्हें छुड़ाने के बाद अब ये कोई गलत काम नहीं करती। ये सब यहाँ पर मेहनत करके अपनी जिंदगी जी रही है, लेकिन तुम नहीं, तुम नहीं। हाँ, तेरी यूनिफॉर्म के सितारों का कोई मतलब नहीं क्योंकि इनको तू बाजारों में बेचता है। तेरे लिए इंसानियत की कोई अहमियत नहीं क्योंकि तू इंसान ही नहीं है। तू अपना जमीर और अपनी आत्मा सब कुछ बेच रहा है। तू देव दमन और बलराम जैसे कुत्तों के लिए कुछ भी कर सकता है कमीने। तू मुंबई पुलिस और उस कमीने देव दमन के इशारे पर इधर आया है। साले जोसेफ, मैं तेरी तो, तुझे पता नहीं कि तूने कितनी बड़ी गलती की है यहाँ पर आके। तू अभी अच्छी तरह से जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। हिला कर रख दूंगा मैं तेरे और तेरे पुलिस डिपार्टमेंट को, तबाह करके रख दूंगा तेरी इस वर्दी के गुरूर को। साले तूने गलत जगह पे हाथ डाला है। तेरी बीवी माँ बनने वाली है ना, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी फैमिली के ग्रुप फोटो में तेरा चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि उससे पहले मैं तेरे शरीर से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। चल भाग यहाँ से, तेरे बाप लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे होम सेक्रेटरी के ऑफिस में। जा और जाकर उन्हें मेरा मैसेज दे दे। देख लूंगा मैं तुझे। कमीने एक बात सुन और उससे अपनी दिमाग में रख ले, तुझे तेरे ऑफिस से निकालने में मुझे एक घंटा भी नहीं लगेगा और तेरा भेजा बाहर निकालने में एक मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन इस वक्त मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना। ले जाओ इसे और ले जाकर इसे इसकी बीवी के पास छोड़ दे, क्योंकि इसको उसकी मसाज की जरूरत है। रमन जी, आज का अखबार देखा? देखो देखो देखो, हे राम, हे मेरे भगवान, ये क्या हो गया? तुम लोगों ने देखा ना, ये क्या खास खबर आई है। ये पत्रकार लोग भी सुधरने वाले नहीं है। उन्होंने लिखा है कि एसीपी माया का और अंडरवर्ल्ड माफिया लीडर जाकिर के बीच में अवैध संबंध है और ये अपना सारा काला धंधा हाजी मुस्तफा ट्रस्ट की आड़ में चला रहा है। ये खबर एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने बताई है जो कि अपना नाम बताने को तैयार नहीं है, और आज पुलिस और क्रिमिनल के संबंधों की चर्चा भी होने वाली है। हाजी मुस्तफा ट्रस्ट को अगर कानून ने बंद करवा दिया तो क्या होगा? बहुत सारी समस्या होंगी। क्या बात करते हैं रमन भाई। जानते हो हमीद, एक पत्रकार ने मुझे कहा था कि हाजी मुस्तफा ट्रस्ट के बारे में वो अच्छी अच्छी बातें छापेगा, उसके लिए एक फुल पेज ऐड दो और एडिटर को पूरे परिवार के साथ सिंगापुर का ट्रिप दो। नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो यहाँ का एक बहुत ही मशहूर पत्रकार है। उसका नाम क्या है रमन भाई? अरे वही जो उस दिन मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। हाँ, रवि प्रकाश। और उसके साथ वो चीफ रिपोर्टर भी आया था, वो सैबियो खान। वो सब के सब बलराम के पिंप हैं अखबार की दुनिया में। जी। हेलो। हाय रमन जी, माया ही। हाँ, मुझे पता है कि फोन किसका होगा। डेलफिश वाली माया का फोन है ना, लाइन पे वही ना रमन भाई? हाँ। हेलो, बोलो बेटी। हैं? हाँ रमन जी, हॉट न्यूज फ्रॉम त्रिवेंद्रम। हैं? मीडिया वालों का कहना है कि कहीं ना कहीं तो अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, इसलिए एसीपी माया मेरी क्वीन को डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। ये क्या कह रही हो तुम? Pressure on the Home Minister from Kottayapattram. Anyway, it stinks. Hai na Raman ji? Raman ji, I'm getting a call from DGP. I'll catch you later. Okay, bye. Problem. तो माया मेरी कुरियन सस्पेंड हो गई। कितने दुख की बात है। हाँ तो बीड़ू, उसका मैंने नाम क्या बताया था? उस रिपोर्टर का? उन्नी पत्रकार। Son of late चंद्रशेखर पत्रकार। बहुत बड़ा काम किया है तूने बेटे। हाजी मुस्तफा ट्रस्ट के पीछे लड़कियों का इल्जाम, जीते जी मार डाला उन्हें। मुंबई के अंदर
10-20 सालों में मैं और नायक दोनों मिलके जो काम नहीं कर सके वो तूने पलक झपकते ही कर डाला है ना बाला। आई विल कॉल बैक यू टॉक टू सुजन। सही बात बताया डीडी, एक औरत कालिक पोत सकती है, एक दिल जहर पिला सकता है। ये औरत जात न जाने क्या कर सके किसी को नहीं मालूम। ये खबर मैंने अमेरिकन पेपर में पढ़ा था, औरत कब किसका खून करा दे ये किसी को भी नहीं मालूम। उसी का हिंदुस्तानी रूप है, इसकी जन्मभूमि है केरला। पूरे वर्ल्ड में येलो पेज पेपर जो पढ़ते हैं ये इसी का है ना। बीते हुए पिछले 5 वर्षों से अपने पेपरों की आड़ में ये और 5 पेपरों की पायरेसी करके न जाने कितने करोड़ों का माल अंदर कर लिया इस व्यक्ति ने। रियल एस्टेट, लीकर शॉप, ट्रैवल एजेंसी, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये पुलिस वर्दी में रहकर सारी दुनिया में बदनाम। इस स्टेट लेवल के नंबर 1 क्रिमिनल के साथ जोसेफ मेडोसा कोयम्बटूर कंपनी के 50% के पार्टनर है, और जो रमेश जेल में बंद हैं, उनके साथ छोटे मोटे बहुत सारे धंधे चल रहे हैं। ये लो एक बैग और बनाओ। हाँ बोलो। कल के बाद आने वाले अखबार में जकीर भाई के साथ जो कुछ हुआ है वो सब छपेगा। हमारे चक्रव्यूह की मेन जगह जो है वो बॉम्बे से कोचीन के बीच का हाईवे है। अच्छा। हाँ डीडी, हाँ डीडी का दुश्मन तो जाकिर हुसैन है ना। मैंने तो सिर्फ एक गेम खेला है, वो तो खेलना ही था। उसके बारे में लिख के और उसे जला के आपके माथे पर तिलक लगाऊंगा। तिलक तो यही तो है प्रॉब्लम, स्मार्ट बॉय। हाजी मुस्तफा ट्रस्ट में जाकर जाकिर हुसैन के आदमियों को बुरी तरह मारने वाला ये जोसेफ मेंडोसा पुलिस वाला ही है, और क्रेडिट मिला इन पत्रकारों को। अरे ये क्या बकवास है। जब जब तू भौंका तेरे सामने कुत्ते के तेरे हड्डी फेंके, 17 लाख हम दोनों ने वो तेरी कीमत थी मेहनत की, समझा तू, समझा। चुप। अरे डीडी सुनो तो। चुप कमीने, हमेशा के लिए सुना दूंगा। जाने दे, जाने दे। सुजन इधर आओ, उसको बाहर ले जाओ। सुनो चलो ना। हाँ सुजन।